अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी टीचर मिस जमीम। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आप कर लें। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेबल ऑफ अथॉरिटीज, इससे इंडेक्स बनती है। और इससे पहले जो रेफरेंसेस में सबसे फर्स्ट टॉपिक था टेबल ऑफ कंटेंट्स, इससे भी इंडेक्स ही बनती है। जो इस वक्त मैंने इंडेक्स खोली हुई है ये वो इंडेक्स है जो टेबल ऑफ कंटेंट्स से बनाई गई है, यानी हमें बता रहा है कि सीआईटी पेज नंबर 2 से स्टार्ट है हमारा चैप्टर, अमेज़न पेज नंबर 5 से है, बेसिक एक्सेल हमारा पेज नंबर 8 से है, एडवांस एमएस ऑफिस पेज नंबर 13 से, और वेब डिजाइनिंग पेज नंबर 15 पर है। यानी कि जो चैप्टर जिस पेज पर है और जहाँ तक ख़त्म है उसके बाद अगला चैप्टर यानी कि डिफाइन किया गया है इस इंडेक्स के जरिए। और ये इंडेक्स मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये टॉपिक आप मेरे पिछली क्लासेस में देख सकते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि टेबल ऑफ अथॉरिटी से इंडेक्स कैसी बनती है और टेबल ऑफ कंटेंट से ये डिफरेंट कैसे है। तो ये देखें, ये इंडेक्स बनी हुई है टेबल ऑफ अथॉरिटी से, बनाना तो मैं भी सिखाऊंगी, पहले फर्क देख लें दोनों इंडेक्स में। यहाँ पे भी वही चैप्टर है, वही नाम है और वही चैप्टर, वही पेज है सब कुछ, लेकिन इंडेक्स थोड़ी सी डिफरेंट है। यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो पेज नंबर 13 पहले आया हुआ है, 5, 8, 2, 15, मतलब कोई तरतीब नहीं है पेज नंबर्स की। यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स में तो पेज तरतीब से चल रहे थे कि 2 के बाद अगर 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, जो भी है, जहाँ भी ख़त्म या स्टार्टिंग है, लेकिन यहाँ पे पेजेस की कोई तरतीब नहीं है, तो फिर यहाँ क्या सीन है। तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर के नामों को फॉलो करता है, यानी अल्फाबेटिकली अगर ए के नाम इसको शुरू या लास्ट वाले पेजेस पे भी मिलते हैं, पेज नंबर 50 पे या 50 पे मिल जाए समझ लें, तो ये उसको ही नंबर 1 पे शो करेगा, यानी ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो करेगा, ये पेज नंबर्स को फॉलो नहीं करेगा। यानी टेबल ऑफ अथॉरिटीज पेज नंबर्स को फॉलो नहीं करेगा, यानी उसकी तरतीब को फॉलो नहीं करेगा, ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, वो भी जो हमने इंडेक्स में चैप्टर के नाम दिए हैं। यकीन है मेरी बात आपको समझ में आई होगी और दोनों का डिफरेंस भी आपने देख ही लिया। तो आ जाते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल एन फॉर न्यू पेज। और कैसे बनेगी ये इंडेक्स, तो सबसे पहले वही रन का फार्मूला और कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी वी प्रेस करते जाइए, डेटा आपका बढ़ता जाएगा, अच्छे खासे पेजेस तक हमें डेटा चाहिए। स्क्रॉल अप किया यहाँ से, ये ऊपर की तरफ ले गई मैं, फर्स्ट पेज को हमें ब्लैंक करना है, इंसर्ट पे जाकर मैंने ब्लैंक पेज पर क्लिक कर दिया, पहला पेज मेरा खाली हो गया। और यहाँ आकर मैंने अपने चैप्टर का नाम डाल दिया, लाइक यहाँ पर मैंने अपने कोर्स का नाम डाल दिया ग्राफिक, ठीक है, और ग्राफिक डिजाइनिंग कर लेते हैं, चलिए अच्छा जी मजीद चैप्टर्स बनाते हैं, एंटर, कर्सर ऊपर लेकर आए, सी आई टी और चलिए कैपिटल में लिख लेते हैं चैप्टर, तो हम अपनी मर्जी से डाल रहे हैं नाम। और फिर और साथ साथ इन चैप्टर्स को अगर हम लेवल 1 भी करते जाएं तो अच्छा है, वरना बाद में जाके हमें लेवल 1 करना पड़ेगा ढूंढ ढूंढ के। इस पहले चैप्टर को मैंने सेलेक्ट किया, लेवल 1 तो नहीं करना यहाँ पर हमें, क्योंकि वो हमें करना था टेबल ऑफ कंटेंट्स में, यहाँ हमें मार्क करना है। चलें पहले लिख लेते हैं मार्क, फिर एक साथ भी किया जा सकता है। अच्छा जी मजीद हमारे चैप्टर, स्क्रॉल कर रही हूँ मैं माउस को, और हम अपना एक और चैप्टर का नाम देने जा रहे हैं यहाँ पर, एंटर और एंटर, और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया एडवांस एमएस ऑफिस, और मजीद चैप्टर्स चलेंगे यहाँ लेते हैं, एंटर एंटर और फिर एंटर, और यहाँ पर हमने बेसिक एक्सेल ले लिया, ठीक है। अब हम जाते हैं और फर्स्ट पेज पर अपने कर्सर रखा, क्योंकि इंडेक्स हमें यही चाहिए, और मैंने मार्क्स सिट्रेशन पर क्लिक किया, बिल्कुल लास्ट वाला टॉपिक है हमारा, मार्क्स सिट्रेशन पर क्लिक किया। और किसको मार्क करना है इस पर डबल क्लिक करें, या पूरे को माउस के जरिए सेलेक्ट कर लें और यहाँ क्लिक करें, उसके बाद मार्क ऑल कर दें। अगर 10 जगहों पे ये नाम है तो सारे मार्क हो जाएंगे, हमने लिखा ही एक जगह है तो हमें मार्क ऑल कर दिया, जस्ट मार्क ही कर दिया, 3-4 दफ़ा तो रिपीटेड नहीं है चैप्टर। अच्छा जी अगला चैप्टर डबल क्लिक किया,
क्लिक किया, नाम खुद शो हो जाएगा यहाँ पर, देन मार्क कर दिया। यानी जितने भी हमारे चैप्टर्स के नाम हमने दिए हैं, हम मज़ीद भी दे सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया और क्लिक किया, देन मार्क, यानी जितने हमारे चैप्टर्स के नाम हमने लिखे थे उन सब को वन बाय वन मैं मार्क कर रही हूँ, और ये हो गया है मार्क। मज़ीद चैप्टर आई थिंक सो नहीं है, तो उसको हम कर देते हैं क्लोज। शो हाइट आपको पता है कि पूरी डिटेल दे रहा होता है, और इसको तो हम ले जाकर ऑफ भी कर सकते हैं। कर्सर रखा, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, आपको पता है यहाँ से बनी हुई आपको इंडेक्स मिल जाएगी, और बहुत सारे स्टाइल्स हैं इसके अंदर, फॉर्मल हैं, बहुत सारे, जो भी लेना चाहें आप ले लें। ओके करें और होम पर जाके शो हाइट के बटन को ऑफ कर दें, और ये देखें इसने अल्फ़ाबेट को फॉलो किया, ए चैप्टर का नाम पहले, बी का बाद में, सी का उसके बाद, लेकिन पहले चैप्टर नंबर टू हमारा लास्ट में ही आ गया। यानी इसने अल्फ़ाबेट को देखा है, ना कि हमारे चैप्टर नंबर्स को फॉलो किया है। तो यकीनन आज की क्लास और आज की इंडेक्स आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।